चावल जितना पुराना हो उतना कमाल का होता है। बदन की सरसराहट बोलती है, बिट्टू चरकी दाल खा लेगा कि फीकी लेके आऊं। हम सबको कामयाब बनाने का शुक्रिया। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमाल है, आप हर रात 10 बजे चले आते हैं और इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। जीवन में कुछ सुने भी और सीखे भी, जिंदगी में सीखना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि लोग सुन तो लेते हैं सीखते नहीं है, अक्सर सुनते भी नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं लोगों को, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तब भी सुन नहीं रहे होते हैं। जब कोई बोल रहा होता है तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें आगे क्या बोलना है, हम सुन नहीं रहे होते। और जीवन में सुनना बड़ा जरूरी है, और अगर सुनेंगे तो गुनेंगे, गुनेंगे तो सीखेंगे। अब सीखने के लिए कई आदमी बेचारे क्या होते हैं, हिंदुस्तानी आदमी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अकेला देश है जहाँ का आदमी चंट नहीं होता। बाकी दुनिया में बड़ा चंट लोग होते हैं, हिंदुस्तानी आदमी बहुत सीधा साधा होता है। हमारा एक मित्र बेचारा पहली बार फ्लाइट में बैठा, इतना सीधा आदमी पूछो मत आप। तो फ्लाइट में बैठा तो एयर होस्टेस से कहा, अपने अपना बेल्ट बांध लीजिए प्लीज, जो पजामा पहनते हैं उनका क्या। सीधा आदमी है, क्या किया जाए, सीधा होता। एक लड़का उदास सा मिला मुझे, लगभग आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ, मरवा दिया टीचर ने। बोले पेड़ के नीचे जाके बैठो, शीतल छाया मिलेगी। 6 घंटे से बैठा हूं, ना शीतल आई ना छाया आई। सीधा आदमी है ना, और सीधा, और सीधापन तो आदत में होता है, और आदत के लिए कहा जाता है कि छूटती नहीं है। अंग्रेजी में आदत कहते हैं हैबिट, ये कभी नहीं छूटेगी। कुछ भी छूट रहा है कुछ ना कुछ बचा रहता है। हैबिट में से एच निकाल दीजिए अ बिट, ए निकाल दीजिए बिट, बी निकाल दीजिए इट, यानी कुछ ना कुछ तो बचा रहना ही है उसमें, वो कभी छूट नहीं सकता। तो एक वकील साहब को मोहब्बत हो गई, और जब मोहब्बत हो गई तो लड़की से रात को बात कर रहे थे पहली बार। तुम्हारा नाम क्या है, धारा कौन सी, 144 146। होता है ना सीधापन होता है। जैसे तीन लोगों को पूछ लिया गया, एक सवाल हुआ इंटरव्यू में कि तुम्हें उस आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। सवाल यह है कि दुनिया के खतरनाक सबसे दो खतरनाक हथियारों के नाम बताओ। तो एक ने कहा बंदूक और तलवार, बार दूसरा बोला न्यूक्लियर बॉम्ब एटम बॉम्ब, बार तीसरा आया हमारा संदेश। सेलेक्ट हो गया, जैसे ही पूछा खतरनाक दो हथियारों के नाम बताओ, बीवी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। इससे ज्यादा दुनिया में कुछ भी खतरनाक नहीं है। इधर आंसू निकले आप गए, इधर स्माइल हुई आप गए, बचते नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं बड़े दूर तक जाते हैं, वो होते हैं कवि लेखक रचनाकार। ये जो है ये वो तमाम वो लोग हैं जो दूर तक जाएंगे, इन कैमरों के माध्यम से सारी दुनिया में छा जाएंगे। और जब दुनिया में छाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब किसी नए व्यक्ति को मैं टेलीविजन पे पहली बार लेके आता हूँ। और आज उनमें से एक जो पहली बार टेलीविजन पे आ रहा है, बहुत छोटे से कस्बे से, मध्य प्रदेश में एक कस्बा है सनावत, वहां से आता है अतुल तंबोली हमारे बीच में। बहुत बरस पहले लखनऊ में रेलवे में काम करने वाली एक लड़की ने कविताएं भेजी हमें, और उसे सबसे पहले टेलीविजन पे उस कार्यक्रम में हम लेके आए थे। तब से लेके आज तक शिखा ने बहुत तरक्की की है, शिखा श्रीवास्तव लखनऊ। और उसी जमाने में हमने खोजा था मुजावर मालेगावी को, हम ढूंढ के लेके आए थे। आज मुजावर सारे देश में जाने थे अपनी हास्य कविताओं की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। महफिल की शुरुआत करते हैं, तो महफिल की शुरुआत कहते हैं पुराने चावल से होनी चाहिए। चावल जितना पुराना हो उतना कमाल का होता है, उतनी खुशबू देता है। हमारे पास एक चावल है जो सफेद नहीं है लेकिन है बड़ा कमाल का, खुशबू जोरदार देता है। मुजावर मालेगा भी जोरदार तालियों के साथ।
कट्टे का जो डिब्बा है वो वीरान पड़ा है। पकवान जो भी रखता हूँ नादा के सामने, पकवान जो भी रखता हूँ नादा के सामने, खा जाता है वो गट से मगर बा के सामने, मुर्गे पड़ोसियों के चुराता हूँ इसलिए, किसलिए शर्मिंदगी न हो किसी मेहमान के सामने, शर्मिंदगी न हो किसी मेहमान के सामने। चार लाइन लिखिएगा, बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत है। इरशाद, क्या लटके झटके और क्या ज़ुल्फों का ख्याल है, उबाल कह के शिखा की तरफ देख रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं तो और गलत बात है। हाँ शिखा, ये देखो तुम्हें कह रहा है बासी कड़ी में उबाल है। नहीं, ये बासी कड़ी नहीं मेरे लिए देख रहे थे, ये जब लटके झटके बोल रहे थे तब से देख रहे। तब से तो सर, सर मैं चार लाइनें कहना चाहती हूँ, मुझे एकदम याद आ गई। आज ये भी बहकने संभलने लगे, आज ये भी बहकने संभलने लगे, तितलियों की तरह से बचलने लगे, तितलियों की तरह से बचलने लगे, हंस के हमने जरा बात कर दी थी है, अब तो बूढ़ों के मन भी बदल, अब तो बूढ़ों के मन भी बदलने लगे। अब बराबर मजावर मालेगा भी, ये मिला तुम्हें करारा जवाब। क्या बात है, अब तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है ना। अरे सूझा, छोड़ दे मुझ पे मेरी जान, कहां से लाऊं, सिर्फ तू बोल तुझे पाल कहाँ से लाऊं, सिर्फ तू बोल तुझे पाल कहाँ से लाऊं, दिल में अरमान बहुत है के कबड्डी खेलो, दिल में अरमान बहुत है के कबड्डी खेलो, पर बुढ़ापे में वो तूफान कहाँ। मेरा सर मन नहीं मान रहा है, बीच में बोल रही हूँ, माफी चाहती हूँ। लेकिन सर आपके लिए एक सजेशन है, बुरा मत मानिएगा और आप सब मेरा समर्थन करिएगा कि तुम कभी मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना, तुम कभी मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना, हर भूल कर भी तुम प्यार में लड़कियों
शिखा जी मेरे सवाल का बार बार जवाब दे रही है। मैं जो महसूस करूं देखिएगा कि बदन की सरसराहट बोलती है, बदन की सरसराहट बोलती है, बहुत मजा आ रहा है, लबों की मुस्कुराहट बोलती है, और तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है, तेरे कदमों की आहट बोलती है। शायरी तो बाद में होगी, पहले काम करो, अंकल जी का जवाब हो जाए। बहुत बढ़िया। एक काम करो, आज ये देवर भाभी संवाद चलने दो और इस बेचारे अतुल को घर भेज दे फिर हम। और क्या पहली बार आया है ये? हाँ तो वैशिका क्या कहने चाहे अंकल जी को जवाब? थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ये कोट वोट पहन के आए हैं तो इसलिए अंकल से थोड़ा इनको प्रमोट करते हैं। सर स्वागत है आपका। प्यार हमसे करो तो निभा देंगे हम, प्यार हमसे करो तो निभा देंगे हम, तेरे होके सभी को भुला देंगे हम, तेरे होके सभी को भुला करते इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। नहीं फिर कुछ कहना तो नहीं, अब क्या कहोगे? उम्र भर फितना जंजाल में रहने के लिए, उम्र भर फितना जंजाल में रहने के लिए, हौसला चाहिए ससुराल में रहने के लिए, हौसला चाहिए ससुराल में रहने के लिए, मंत्री जी ये तमन्ना है मेरी मैडम की, एक महल चाहिए भोपाल में रहने के लिए, एक महल चाहिए भोपाल में रहने के लिए, माल पानी के अलावा है बदन में ताकत, माल पानी के अलावा है बदन में ताकत, चार दिन क्यों ना होने चापलूसी भी जरूरी है अगर वर कर हो, क्या बात, चापलूसी भी जरूरी है अगर वर कर हो, अपने नेताओं के पिंडाल में रहने के लिए, अपने नेताओं के पिंडाल में रहने के लिए, हौसला चाहिए ससुराल में रहने के लिए। क्या बात है, वाह शेर है, क्या रवानगी है, क्या हलचल है, और बासमती ये चावल है जो खुशबू आपने दी है। नहीं मेरी मोहब्बत बिल्कुल हर लिखने वाले से है, हर पढ़ने वाले से है। जो कोई भी इंसान अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से प्यार करता है, कहता है, लिखता है, मैं हर उस कलमकार से मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि वो यहाँ तक आए और सारे देश में छा जाए। और इसी कड़ी में पहली बार टेलीविजन पर बुला रहे हैं हम एक नई कलम, बिल्कुल नई कलम जो टेलीविजन के पर्दे पर पहली बार आ रहा है, सनावत की अतुल तंबोली, जोरदार ताली। सबसे पहले शैलेश सर और सेमारू परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझ जैसी एक नन्ही सी कलम को जो है यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, मैं निमाड़ की माटी का सबसे छोटा कंकर, नाम अतुल तंबोली, सनावत नगर के तंबोली बाड़े में 18 मई सन 1986 को पहली बार डाउनलोड किया गया था। डाउनलोड
अपलोडिंग के दौरान मेरी फाइल में वायरस आ जाने के कारण मेरी फाइल का साइज छोटा रह गया। इस छोटे फाइल साइज के कारण मुझे जो समस्या है उनमें से एक समस्या बड़ी जटिल थी। मैं लड़की देखने के लिए गया और वहां पर जब खाना खाने के लिए बिठाया गया वो लड़की ही परोसने के लिए आई और मुझे देखकर कहती है, बिट्टू चरकी दाल खा लेगा कि फीकी लेके आऊं? बिट्टू जिस दिन से मुझे उसने बिट्टू कहा है मैं उसका दीवाना, वो मेरी दीवानी हो गई और उसके बाद हमारे प्यार की एक कहानी हो गई। वो कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, आओ सुनाऊं एक कहानी। शीर्षक इसका पत्नी रानी, प्रेम करो कितना भी लेकिन करती है वो बस मनमानी। आओ सुनाऊं एक कहानी, शीर्षक उसका पत्नी रानी, प्रेम करो कितना भी लेकिन करती है बस वो मनमानी। रोज सुबह जल्दी उठ जाता, चाय बनाता उसे पिलाता। रोज सुबह जल्दी उठ जाता, चाय बनाता उसे पिलाता। ब्रेकफास्ट भी मैं ही बनाता, झाड़ू पोछा मैं ही लगाता। कभी कभी तो पनिशमेंट में, कभी कभी तो पनिशमेंट में उठक बैठक भी मैं लगाता। सीधा सादा देवदास में, सीधा सादा देवदास में, लेकिन वो झांसी की रानी। आओ सुनाऊं एक कहानी, शीर्षक इसका पत्नी रानी, प्रेम करो कितना भी लेकिन करती है वो बस मनमानी। ससुराल की बात बताता हूँ। सास ससुर का देख के झगड़ा, मन में जागे मेरे शंका, ससुराल है मेरा या फिर रावण बाबा की लंका। सास ससुर का देख के झगड़ा, मन में जागे मेरे शंका, ससुराल है मेरा या फिर हे रावण बाबा की लंका। पति देव को डरा के रखना, आदत इनकी खानदानी। आओ सुनाओ एक कहानी, शीर्षक इसका पत्नी रानी। आओ सुनाओ एक कहानी, शीर्षक इसका पत्नी रानी, प्रेम करो कितना भी लेकिन करती है बस वो मनमानी। याद आए मुझे दिन वो पुराने, सेटिंग संगाए थे गाने। याद आए मुझे दिन वो पुराने, सेटिंग संगाए थे गाने। इक्का दुक्का नैन मटक्का, लव यू के वो तराने। बीत गए क्यों मीठे पल वो, बीत गए क्यों मीठे पल वो, बीत गई क्यों मेरी जवानी। आओ सुनाओ एक कहानी, शीर्षक इसका पत्नी रानी, प्रेम करो कितना भी लेकिन करती है बस वो मनमानी। आओ सुनाओ एक कहानी, शीर्षक इसका पत्नी रानी, प्रेम करो कितना भी लेकिन करती है बस वो मनमानी। बहुत बढ़िया अतुल, बहुत अच्छा अतुल, बहुत बढ़िया। और अब बारी है उस युवती की जिसने पिछले कुछ सालों में अपने आत्मविश्वास में, अपने कहन में, अपने कथन में और अपने लेखन में तमाम चीजों में प्रगति की है। और वाह भाई वाह के मंच पे आज मैं बुला रहा हूं लखनऊ की शिखा श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चार पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ। शेमारू टीवी को थैंक्स, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ के देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरा प्रणाम। और ये पंक्तियाँ सर रखती हूँ कि इस शो में हमको फिर से बुलाने का शुक्रिया, इस शो में हमको फिर से बुलाने का शुक्रिया, हम सबको ये मौका दिलाने का शुक्रिया, हम सबको ये मौका दिलाने का शुक्रिया। और है सरपरस्ती आपकी, है सरपरस्ती आपकी और कोशिशें तमाम, है सरपरस्ती आपकी और कोशिशें तमाम, हम सबको कामयाब बनाने का शुक्रिया, हम सबको कामयाब बनाने का शुक्रिया। बहुत बहुत आभार। एक गजल रखती हूँ। तेरी चाहत की जब मेहरबानी हुई, कि तेरी चाहत की जब मेहरबानी हुई, तेरी चाहत की जब मेहरबानी लगी, तेरे आने की खुशबू जो आने
दोस्त कर ले गया एक दिन वो मुझे बात है। कोई मीरा से जाके ये पूछना क्यों शिखा प्यार में दीवानी हुई, क्या बात है। बहुत बढ़िया शेर तुमने पढ़े शिखा, कमाल कर दिया आज आप तीनों ने। और आज की महफिल कमाल की थी, इसमें जितने मजाया शेर थे उतनी मोहब्बत भी थी। और ये माहौल, ये फिजा सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकती है और कहीं नहीं, क्योंकि हमारा मुल्क रिश्तों को जानता है, हमारा मुल्क हंसी को जानता है, हमारा मुल्क तबस्सुम और मुस्कुराहट को जानता है, और हमारा मुल्क मोहब्बत को जानता है। आइए हम ऐसे ही बने रहें और अपने आप के लिए कहते रहें वाह भाई वाह।